हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर व्यस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे। तो फाइनली गाइस, मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है मैक्स, जो बिजली बचाने का काम करता है। तो देखते हैं वो कैसा है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, चल चलते हैं, आप उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं ये चीज़ मैंने ऑर्डर किया था। तो आज अपन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकेजिंग तो ठीक ठाक लग रही है। ठीक है, बना रही है आप इसको। वैसे तो मैंने हाल में थोड़ा फाड़ फोड़ दिया था भाई, ये देखिए मैंने फाड़ दिया था ये, इसको मैंने पहले ही थोड़ा फाड़ दिया था। ये रहा मैक्स, क्या चीज़ है ये देखिए, ये रहा सुपर मैक्स पावर सेवर, है ना भाई। 599 रुपये का मैंने ऑर्डर किया था यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ये चल रहा था कि ये 40% तक बिजली जो है कम कर देता है। ठीक है, बिजली जो है भाई ये कम कर देता है, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था, क्योंकि अपने घर का बिल जो है काफ़ी आ रहा था। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से इसकी पैकेजिंग, कुछ खास नहीं है। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। क्या ये सच में भाई काम सबसे करेगा, पहले अपन भाई से चेक करते कि वर्किंग कंडीशन में कि नहीं। अगर ये वर्किंग रहा तो ये तीनों लाइट जल जाएंगी। ठीक है, पर इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे ख्याल से भाई, चेक कर। इसको करना कुछ नहीं है मेरे भाइयों, इसको खाली से अपने को प्लग में लगाना है। ये रहा देखिए बोर्ड, कोई भी बोर्ड में, यानी इसका एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था कि 4 AC, 4 वॉशिंग मशीन, 4 कूलर, आप 4 मशीन कोई भी है ना, एक ही बार में चला सकते हो। तो इसे ये चालू है भाई, वर्किंग कंडीशन में तो है, पर इसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। कि आप उसको पहले मीटर चेक करना पड़ेगा या मीटर की रीडिंग निकालनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से ही होगा। इसे निकाल लेते हैं, पर इसका कोई यूज़ में नहीं है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि चालू हो चुका है, लाल हरा सिग्नल पे अपन खड़े हो चुके हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका यूज़ कैसे है, यानी कि ये कम करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए अपने बड़े भाई को ही चेक करना पड़ेगा, इसे उसी साइज से आता है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ ताकि अपना बिजली का बिल ना बढ़े। ठीक है, आप मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। बने रहिए, भाई कल इसके बारे में सर्च करा तो कोई फेक कोई रियल बता रहा है, पता नहीं। इसके अंदर उन्होंने मुझे खोल के भी बताए थे कि ये कुछ काम का नहीं है। तो भाई अब मैंने इसे ना इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, तो मुझे इसका रिटर्न भी नहीं करते आता, तो समझ लो 599 रुपया ना 600 रुपये अपने डूब चुके हुए। इसका करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, सिर्फ इसको प्लग करना है, बाकी ये बिजली सेव नहीं कर पाएंगा। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने जितने भी वीडियो देखे तो फेक बता रहा है कि फेक है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है। बाकी देखते हैं, कोशिश करते यार कि ये रिटर्न हो जाए, क्योंकि ये मैंने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या मीशो से वो नहीं किया था, परचेस नहीं किया था ऑनलाइन। ये कोई एड आ रही थी तो मैंने वहाँ से कर डाला था यार, बस फंस गया और कुछ नहीं। और इतना कुछ खास भी इसके अंदर नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, 600 रुपये डूब के 600 का नुकसान हो गया अपना यार। आप लोग ऐसा मत करिए, बिना सोचे समझो कोई भी चीज़ ऑर्डर मत करिए। मैंने कर डाला है, बाकी कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए, आप लोग को बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए ये AC, ये देखिए शिप स्टिक नाम का कोई है कंपनी, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे से आता, तो पन्नी पे लिखा हुआ रहता फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या मीशो हो, है कि नहीं, पर इस पर कुछ नहीं है। तो गाइस, आप कुछ भी फालतू की चीज़ जो है वो ऑनलाइन मत मंगाइए, क्योंकि मैं जैसा मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, आपके साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है भाई, पहले मैं इसको चेक करूँगा, यानी सॉरी पहले इसको चेक करेंगे भाई, जो है बड़ा वाला भाई जो है वो बोल रहा है, इसको मैं चेक करूँगा एक बार। अगर ये वर्किंग रहा तो कोई बात नहीं, और नहीं तो इसे रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। हालांकि रिटर्न तो होगा नहीं, क्योंकि अपने पास कोई प्रूफ है नहीं कि अपन इसको कहाँ से जो है परचेस किया है। तो भाई साहब, आखिरी में अंत में यही कहना चाहूँगा भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, और अपने अपने घर पर स्वस्थ रहिए, और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए, और अपने घर परिवार वालों को टाइम दीजिए। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।